लड़के दिखाया है साथियों, सत्य नेताजी के नेतृत्व में हम लोग केवल 5 MP थे और बीजेपी के संगठन के लगभग 350 थे। नौजवानों, ये सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, देख लेना लोकसभा के अंदर आपका भाई मजबूती से लड़ा है कि नहीं लड़ा है। हमारी किसी की बात न मानना, आप स्वयं से लेते हैं और आजमगढ़ का प्रतिनिधि होके, आजमगढ़ के लोगों का आशीर्वाद लेके, जिस आजमगढ़ ने आजादी से लेके आज तक और यही नहीं देश से लेके दुनिया तक जो आजमगढ़ के लोगों की क्षमता है संघर्ष की, जो आजमगढ़ के लोगों की क्षमता है तमाम अन्याय अत्याचार से लड़ने की, वो शायद किसी जिले के पास होगी। इसलिए जब मैं आजमगढ़ के लोगों का आशीर्वाद निकलेंगे निकलूंगा, तो अभी तक संघर्ष में जितना संसद में जितना संघर्ष करता था उससे भी ज्यादा संघर्ष करने का मौका मुझे आजमगढ़ के लोगों आपकी दुआ से मुझे मिलेगा। अब भेजिए वहां पे, नहीं कर पाएंगे मुकाबला, ये वादा है आपसे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये आजमगढ़ जिस आजमगढ़ को केपी आजमी साहब की सरजमी हो, मौलाना सिमी नुमानी जी की सरजमी हो, राहुल सासिया से लेके अयोध्या प्रसाद हरिओ जी की सरजमी हो, राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एक से एक महापुरुषों की सरजमी, इस आजमगढ़ की सरजमी पर मैं आज आपसे दुआओं की दरखास्त करता हूँ और पूरे यकीन के साथ करता हूँ, क्योंकि नेताजी ने इस क्षेत्र के लोगों को सेवा में कभी कोई कसर नहीं रखी और इस क्षेत्र के लोगों ने भी नेताजी के सम्मान को बढ़ाने में कोई कसर नहीं रखी। साथियों, ऐसे ही नहीं, नेताजी ने कह दिया कि काबा में रहती है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है, बिना धड़कन के जनता कोई नहीं। तो निश्चित तौर पर नेताजी की गाली को ताकत देने में आजमगढ़ के लोगों आपका बड़ा योगदान रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी के सम्मान को बढ़ाने में आपने कसर नहीं की, जहाँ उन्होंने ऐतिहासिक वोटों से हमसे सांसद बनाया वहीं उन्होंने जिस किसी को भी साइकिल पर बैठा के भेजा, आपने दसों के दसों साथियों को विधानसभा के अंदर पहुंचाने का काम किया। तो ऐसा ये हमारा शानदार आजमगढ़, उस शानदार सरजमी पर जब मुझे लड़ने का चुनाव मौका मिला है, आशीर्वाद मिला है पार्टी का आपसे, तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे मुझे अपना आशीर्वाद दे देना। और एक आपको वादा और विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ, मेरी जितनी भी क्षमता होगी तो उस पूरी क्षमता के साथ आजमगढ़ के लोगों की सेवा करने में कोई कमजोरी नहीं रखूंगा, ये आपसे मिला वादा है। एक वादा और है, केवल यहाँ से जब आपका आशीर्वाद लेके जाऊंगा तो बहुत मजबूत वकील बन के आप लोगों का गौरव और सम्मान बढ़ाऊंगा, ये मैं आप सभी को विश्वास भरोसा दिलाना चाहता हूँ। तो बताओ मेरे साथियों, दोगे आशीर्वाद की नहीं दोगे मजबूती से? पूरा आशीर्वाद मिलेगा आप सबका, अकेले इस इलाके का जैसे आशीर्वाद बढ़ेगा, हालांकि और क्षेत्र में बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पिछली बार जो रिजल्ट आया था गोपालपुर वालों ने सबसे ज्यादा वोटों से जिता दिया था, पासों में सबसे ज्यादा गोपालपुर के लोगों ने जिताया था, तो बताओ इस बार नफीस भाई का सम्मान बढ़ाओगे कि घटाओगे? पक्का वादा है, चुनौतियां और क्षेत्रों से भी हैं और क्षेत्र भी अच्छा करके आ रहे हैं, गोपालपुर वालों ऐतिहासिक सहयोग कर देना, मदद कर देना, आशीर्वाद दे देना, फिर उसके बाद 4 जून के बाद हमसे अपना काम लेने की कोशिश करना। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय श्री।